तू जी को हलवा खिलाए, लाजी ना तुझी को आए प्राणी, लाजी ना तुझी को आए। दोनों हाथ खोलेंगे, जो अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, जो अपने माता पिता से इतना सा भी प्रेम करते हैं अपने माता पिता के लिए, मैं भी ये भजन अपने माँ बाप के लिए हर जागरण में गाता हूँ, अपने माता पिता के लिए। आप भी हाथ खोलकर अपने अपने माता पिता को मनाएंगे, जिनके माँ बाप भगवान जी के पास है वो भी मनाना, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, और जिनके माँ बाप जिंदा भी हयात है वो भी बजाना और मिलकर चलना। कहना है लाजी ना तुझको आए प्राणी, लाजी ना तुझको आए। एक माँ बैठी है भूखी, एक माँ बैठी है भूखी, तुझी को हलवा खिलाए, लाजी ना तुझको आए प्राणी, लाजी ना तुझको आए। क्या बात है, मैया की तेरी फट गई धोती, मैया की तेरी फट गई धोती, बिना रजाई के वो सर्दी में सोती, बिना रजाई के वो सर्दी में सोती। एक मैया को साड़ी चूनर चढ़ाए, एक मैया को साड़ी चूनर चढ़ाए, बेटा होने का क्या सफर जी निभाए। इस माँ को तुम कितने भी साड़ी चूनर चढ़ाओ, कितना भी 16 श्रृंगार करो, और सुबह भंडारा भी होगा, भंडारा भी है, तुम कितने भी भंडारे करो, लेकिन वो सब बेकार है। कब तुम इसकी तो पूजा करो, लेकिन घर की माँ को ना पूजो। एक निवाला प्यार से अपनी माँ को खिलाओ अपने हाथों से। मैं कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं है माँ को रूठने से मना ले, है जी, कोई ताकत नहीं है, माँ कम मानती है। एक निवाला प्यार से खिलाओ, माँ अपने आप मान जाएगी मेरे लाल ने आज मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। जैसे जब छोटे होते थे माँ, जब हम छोटे होते थे न जाने हम कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, और कोई मजाक हमसे करता था हम रो जाते थे, और आज तो नींद की गोलियां भी खाकर नींद नहीं आती प्यारो, पहले माँ की लोरी सुन के आंचल में सो जाते थे। ये होती है माँ, इसको कहते हैं माँ। और मना लो माँ को हाथ खोल के, और कहो क्या कहना है माँ से, उठा के हाथ सीधे कर, जो माँ से प्रेम कर दे सीधे कर के हाथ, और मैया से कहो माँ सीधे हाथ करके। एक मैया की तेरी फट गई धोती, एक मैया की तेरी फट गई धोती, बिना रजाई के वो सर्दी में सोती, बिना रजाई वो सर्दी में सोती। एक मैया को साड़ी चूनर चढ़ाए, एक मैया को साड़ी चूनर चढ़ाए, बेटा होने का कैसा फर्ज निभाए। इनको खुश करना है तो, इनको खुश करना है तो ले ले तू माँ की दुआए, लाजी ना तुझको आए प्राणी, लाजी ना तुझको आए। हाथ खोल गए, पिता की तू तो दौलत को चाहे, पिता की तू तो दौलत को चाहे, सेवा के नाम पे आके दिखाए, सेवा के नाम पे आके दिखाए। मात पिता की दौलत मिल गई तो सब कुछ मिल गया समझ लो आज के टाइम में, लेकिन सेवा कौन करेगा? अगर मेवा लेनी है तो सेवा भी तो हमें करनी पड़ेगी।
अगर आज हमने अपने माता पिता की सेवा की तो कल आने वाले जो कल है हमारा जो भविष्य है वो हमारी सेवा करेगा। क्यों माँ? अगर मैं अपनी माँ की सेवा करूंगा तो मेरी औलाद मेरी सेवा करेगी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर पेड़ बबूल का बोया है तो कांटे मिलेंगे, फल नहीं मिलने वाले। प्यारो उठा के हाथ सीधे करके माता पिता के लिए। माता पिता की तू तो दौलत को चाहे, सेवा के नाम पे आके दिखाए, सेवा के नाम पे आके दिखाए। तेरी ये करनी तुझे उस दिन सताएगी, तेरी औलाद तुझे जिस दिन रुलाएगी, तेरी ये करनी तुझे उस दिन सताएगी। साहब तेरी औलाद तुझे जिस दिन रुलाएगी। सच्चाई कह रहा हूं भैया, क्योंकि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। अगर ताली चाहूंगा बात अच्छी लगे। जो बीत गए वो जमाने वापस नहीं आते। आते हैं नए लोग लेकिन पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत जलाना प्यारो, क्योंकि लगी हुई आग तो पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। तो तभी तो कहता हूँ गुजरा जमाना पगले लौट के फिर ना आए, लाज ना तुझको आए प्राणी, लाज ना तुझको आए। और आखिरी में दो लाइनें रख रहा हूं। जो नवरात्रों में व्रत करते हैं हाथ उठा के दिखा दो एक बार। हाय हाय करते हैं व्रत इस माँ के नाम के। अच्छा सच बताना, जितने बेटे बैठे हैं कभी अपनी माँ के लिए व्रत किया एक दिन? सच बताना किया है कभी अपनी माँ के लिए एक व्रत? कभी नहीं किया। लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है, साल में एक दिन ऐसा आता है जब हर माँ अपने बेटे के लिए व्रत करती है, अहोई अष्टमी का आता है ना। उठाओ उस माँ के लिए हाथ। मैं तो भगवान से कहता हूँ, भगवान तुझसे एक शिकायत है मेरी, वो पूरी करना अगले जन्म में जब मैं पैदा हूं। इस जन्म में माँ अपने बेटे के लिए व्रत करती है, अगले जन्म में एक व्रत ऐसा बनाना जो हर बेटा अपनी माँ के लिए व्रत करके दिखाए। एक व्रत बनाना जरूर एक दिन ऐसा भी, ताकि बेटे को भी पता लगे माँ कैसे भूखी रहती है शाम तक सुबह से लेकर रात तक। एक माँ के नाम का रहता तू बरती, घर की मैया को बोले क्यों नहीं मरती, एक मैया ने सारी दुनिया बनाई, एक माँ के नाम का रहता तू बरती, घर की मैया को बोले क्यों नहीं मरती, एक मैया ने सारी दुनिया बनाई, एक मैया ने सारी दुनिया बनाई, तू जी बजरंगी हमें दुनिया में लाई। आखिरी में कह दूं दोनों का दर्जा बराबर, इस माँ का दर्जा और घर की माँ का दर्जा बराबर है। इसने पूरे संसार को जन्मा जगत जननी माँ, और इस माँ ने हमें जन्मा ये हमारी जननी माँ। दोनों का दर्जा बराबर गुरु लचक समझाए, लाज ना तुझको आए प्राणी, लाज ना तुझको आए, लाज ना तुझको आए प्राणी, लाज ना तुझको आए, लाज ना तुझको आए।